आप डरेंगे तो आप मरेंगे, इस बात की गारंटी ले लीजिए, लिख लीजिए, आप जिस दिन डरे उस दिन मरे। और पूछते मोदी साहब आम कैसे खाते हैं, पूछना चाहिए कि भैया रोजगार कहां से आएगा, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा आम कैसे खाते हैं, वो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, कनाडा और अमेरिका में जाकर सिटीजनशिप ले रहे हैं। हम देशभक्त हैं, ये देशभक्त नहीं है, ये अंधभक्त हैं। और राम के नाम पर लगातार हत्याएं हो रही हैं इस देश में। एक बात तो आप लोग जान जाइए कि ये जो कोरोना वायरस की लड़ाई है, जिसको एक मुहिम दिया गया है, जिसका एक नाम दिया गया है, हम इससे तो निपट लेंगे, लेकिन अगर NPR NRC लागू हो गया ना, तो आने वाली पीढ़ी नस्ल जो है वो तबाह हो जाएंगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये मैसेज उसके लिए है, उनके लिए है जो घर में बंद हैं कि भैया हमको कोरोना ना हो जाए। तो ये कोरोना वाना कुछ नहीं है, एक बहाना है, आप घर से निकलिए, एहतजाज करिए, आंदोलन करिए, प्रोटेस्ट करिए, ये आपकी लड़ाई है और आपको ही लड़नी होगी, कोई बाहर से नहीं आएगा लड़ने के लिए। और ये बात आप अकेले नहीं हैं, इस देश का आदिवासी, जो आदिवासी अपनी जमीन जो है प्रूव नहीं कर सका कि हमारी है ये नहीं है, वो कहाँ से प्रूव करेगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट, वो कहाँ से लेके आएगा अपने फादर का, अपने मदर का, खुद का कहाँ से लेके आएगा। ये सोचने वाली बात है, आप समझ रहे हैं, मैं इस बात को ये जान रहा हूँ। तो इसलिए जो है ये लड़ाई हमें लड़नी है, मिलकर लड़नी है। और जो घर में है उनको बोलिए भैया आप आराम से आइए, प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। 3 दिन पहले होम मिनिस्ट्री के एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये कहा गया कि 2019 के अगस्त से लेकर या जून से लेकर 2020 के जैन तक 5.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो भारत छोड़ चुके हैं, यानी कि अपनी नागरिकता जो है वो ख़त्म कर चुका है, उन्होंने अपनी नागरिकता ख़त्म कर ली। क्यों कर ली कि अब बताइए जो लोग इस मुल्क में रह रहे हैं उनको अमन शांति जो वो उम्मीद कर रहे थे उनको नहीं मिल पाया, वो लोग बाहर शिफ्ट हो गए। यहाँ के लोगों को नागरिकता तो आप बचा नहीं रहे हैं, अब बांग्लादेश पाकिस्तान तमाम जगह से जो हवाला दे रहे हैं वहाँ से अल्पसंख्यकों को यहाँ ला रहे हैं, अपनी तो बचाइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया हमारे घर के वालिद साहब, हमारे फादर साहब घर के छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें उनको बचाना है कि नहीं, भैया क्यों जा रहे हो, पूछना चाहिए कि नहीं कि आप क्यों जा रहे हो भैया, हमारा घर घर छोड़ के क्यों जा रहे हो आप, बाहर क्यों जा रहे हो दूसरे के घर पे। तो ये सवाल जो है गुम कर दिया गया है, हटा दिया गया है, वो अल्पसंख्यक को देने में है। और एक बात, इस बात का आप गांठ बांध लीजिए, आने वाले कुछ महीनों में हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, आ चुकी है, बैंक के दिवालिया दोनों हाथ खड़ा कर रहे भैया हमसे ना हो पाएगा, बैंक कह रही है। जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस हिंदुस्तान में इस मुल्क में आएगा, तो जब लोग सवाल करेंगे भैया आपकी सरकार है क्यों आ रही है इकोनॉमिक क्राइसिस, तो कहेंगे भैया हमसे नहीं, कोरोना वायरस से हुआ है। अनुमान लगा लीजिए, यही आंसर होगा जो मैं बोल रहा हूँ, यही आंसर होगा। आजकल तो ट्रेंड भी हो रही है ट्विटर पे बहुत तेज कि कोरोना जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस लाने जा रहा है। आप जब NPR का दो फॉर्मेट जो आना है, जो आपसे पूछा जाएगा डोर टू डोर, जो अफसर शाही आएंगे और पूछेंगे कि भैया कहाँ पैदा हुआ, बाप का नाम क्या, दादा का नाम क्या है, ये तो सवाल रहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ एक पत्रकार के नाते, क्या उसमें ये सवाल नहीं होना चाहिए कि भैया किन किन को रोज़गार मिला है, युवाओं को कब रोज़गार मिलने जा रहा है, ये सवाल नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये तमाम सवाल जो है, नौकरियां कैसे मिलेंगी, ये सवाल उसमें नहीं पूछा जाना चाहिए। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आप उसकी लगातार हत्या कर रहे हैं। अगर कोई पूछता है कि भैया हमको प्रदर्शन करना है, हमको कुछ करना है, तो आप आर्टिकल 44 लगा देते, धारा 44 लगा देते, जो हमारा फंडामेंटल राइट का हनन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन है, हमें इस पर सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अब देखिए, जो लोग यहाँ से छोड़कर चले गए बड़े बड़े, उसमें कोई गरीब लोग नहीं गए हैं, कोई जो है जो दिहाड़ी मजदूर करता है, मजदूर वर्ग, वो देश छोड़कर नहीं गया, कौन कौन गया है, आलिया जी गई हैं, आलिया जी को जानते हैं ना, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार जी, जो लगातार पूछते हैं मोदी साहब आम कैसे खाते हैं, पूछना चाहिए कि भैया रोजगार कहाँ से आएगा, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा आम कैसे खाते हैं, वो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, कनाडा और अमेरिका में जाकर सिटीजनशिप ले रहे हैं, क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ।
उठना चाहिए ना, ये सवाल नहीं उठेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो बच्चा है, जो जो भविष्य का बच्चा है, जो अपनी माँ के कोख में रहता है ना बच्चा, 8 महीने का 9 महीने का, वो भी अपने माँ से सवाल करता है कि भैया हमको कहाँ पैदा कर रही हो माँ, जहाँ अमन नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, जहाँ भाईचारा नहीं है, जहाँ एक दूसरे के साथ बोल नहीं सकते, एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गांधी ने नारा दिया था उसका हनन हो रहा है, ऐसे देश में पैदा होने का क्या मतलब है, हमको भी कहीं दूर लेके जाओ। व्हाट्सएप में आजकल चल रहा है, पता नहीं आप लोगों के पास आया होगा। तो इस तरह की लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा अगर आप कहोगे कि भैया हमको यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है तो आपको NSA लगा दिया जाएगा। डॉक्टर कफील को खाना तक नहीं दे रहे जेल में, बताइए किस फंडामेंटल राइट की ये बात करते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते हैं। इसलिए नहीं दी जा रही कि वो मुसलमान है, दलित है, ऐसे लोगों को आप अंदर कर दे रहे हो पूछने के नाम पर। आपसे जब सवाल करते हैं तो उसको आप अंदर करते तो खाना तक नहीं देते हो। क्या किसी धर्म किसी कानून में ऐसा लिखा है कि जो विरोध कर रहा हो, जो सवाल कर रहा हो, उसको आप जेल में दे दो और उसे खाना तक नहीं दो? एक शाम की नहीं बल्कि 5-5 दिनों तक खाना नहीं दिया गया। क्या किसी धर्म कोई मजहब इस बात की इजाजत देता है क्या, आप मुझे बताओ। बताइए किस तरह का श्री राम राम कर रहे हैं, श्री राम राम कर रहे हैं, राम के नाम पर हत्या कर रहे हैं, राम जी इजाजत दे रहे हैं क्या? ये सिर्फ अंधभक्त लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं। ये देशभक्त नहीं है, ये अंधभक्त हैं। और राम के नाम पर लगातार हत्याएं हो रही हैं इस देश में, बताइए। अगर आप सवाल करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया, सब चंगा सी है, सब कुछ अच्छा है, जबकि हमें पता है कुछ अच्छा नहीं है, आप बहुत बड़े भक्त हो गए। अरे 3 दिन पहले 2-3 दिन पहले बात है, जब हम लोग राजस्थान का प्लान कर रहे थे कि हमको राजस्थान जाना है, वहाँ पर प्रोटेस्ट करना है, वहाँ पर जो है हमें कवर करना है, पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है, फोन ट्रेस होता है, ये क्या नहीं हो जाता है? बता दे रहा आप, आपको निज़ामुद्दीन स्टेशन से हमारी गाड़ी थी, अगर आप निज़ामुद्दीन जाओगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, आप निज़ामुद्दीन नहीं जा सकते। बताइए इतनी नफरत किसी के अंदर होती है क्या? अगर हमको अपने पिता से तकलीफ है तो हम पिता को बोलेंगे भाई आप गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, हम बैठ के बात करके बातचीत करेंगे, टेबल पे बैठ के बात करेंगे कि देखिए ये चीज़ गलत है, आप वो भी करने को तैयार नहीं है। अगर कोई करता है तो आप कह देते हो भैया ये तो 700 रुपये लेकर साइन बाग में बैठी हुई महिलाएं हैं। अरे क्या दोस्त था उनका लखनऊ में घंटाघर में, 80 वर्ष के बूढ़ी को जब पीटा गया, क्या दोस्त था उसका, सिर्फ वो बैठी थी इसलिए आपने उसे पीटा। महिलाओं का क्या दोस्त था जिसपे आपने लाठी चार्ज करी? एक तरफ आप ये कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ आप उनकी निर्मम हत्या कर रहे हो, और सवाल पूछने पर आप उसको जेल दिए जा रहे हो। आप अपने लोगों को तो नहीं कहते, आप मीटिंग कर रहे हो 50-60 लोगों की मीटिंग कर रहे हो, कल वसुंधरा राजे उनके उनका जो लड़का है दुष्यंत वो भी मीटिंग कर रहा था, पार्टी में था। बताइए कोरोना किसको, उनको हुआ है, हम लोगों को थोड़ी हुआ है, हम लोग तो बैठे हैं अमन चैन से भाईचारे के नाथ इस सरकार के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो डरना नहीं है, कुल मिलाकर जो बात है डरना नहीं है। आप डरेंगे तो आप मरेंगे, इस बात की गारंटी ले लीजिए, लिख लीजिए, आप जिस दिन डरे उस दिन मरे। और जो मेरी आवाज़ अगर जा रही है, जो घर में बैठ के कोरोना के नाम पर माला जाप पता नहीं क्या क्या कर रही होंगी, उनको बोलिए कि भैया घर से बाहर निकलिए और जाके प्रोटेस्ट कीजिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपको कोई नहीं इसे जुदा कर सकता है, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इन्हीं सब बातों के साथ जो है अपनी बातों को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं जब दोबारा इस मंच पे आऊंगा इंशाल्लाह ये काला कानून वापस हो जाएगा।